हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग के 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी गुर्गे खांडसा मंडी में रेहड़ी वालों से अवैध वसूली करते थे। इनकी पहचान अतुल खटाना, मनीष भाटी, सूरज सुरजीत उर्फ बुलेट, अनिल कुमार, राकेश यादव, आनंद कुमार रवि चौधरी, पूर्णचंद, पवन, राहुल उर्फ बिल्ला और निरंजन जयप्रकाश के रूप में हुई है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के वरुण दैया ने बताया कि इस पूरे नेक्सस को आरोपी अतुल खटाना लेडी डॉन ट्विंकल डागर के साथ ऑपरेट करता था। अभी लेडी डॉन ट्विंकल डागर जमानत पर बाहर है। वो काफी लंबे समय से खांडसा मंडी के दुकानदारों से लेकर रेहड़ी वालों से लाखों की अवैध वसूली करती है। पुलिस ने कहा कि ट्विंकल डागर गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी है। इस साल 15 जुलाई को अवैध वसूली के मामले में ही ट्विंकल डागर को पकड़ा गया था। इसके कुछ दिनों के बाद वो जमानत पर बाहर आ गई और तब से बाहर रहकर ये अवैध वसूली का धंधा ऑपरेट करती है। खांडसा मंडी में छोटे व्यापारियों से लेकर रेहड़ी वालों की संख्या 3 से 4 हजार के आसपास है, जिनमें से 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपए प्रति महीने तक की अवैध वसूली की जाती है। एसीपी ने कहा कि बीते दिनों गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के खासम खास शार्प शूटर संदीप बंदर को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान ये मालूम चला था कि लेडी डॉन के इशारे पर खांडसा मंडी में लाखों की अवैध वसूली का काला कारोबार चल रहा है। लेडी डॉन ट्विंकल डागर केवल अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी, बल्कि किस सब्जी को कितना महंगा करना है इसके नेक्सस को भी ऑपरेट करती थी। आपको बता दें कि एनआईए की टीम गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर और इनके करीबियों के ठिकानों पर 3 से 4 बार रेड कर चुकी है और इसी दौरान ये खुलासा हुआ कि गैंगस्टर कौशल बड़े तौर पर खांडसा मंडी से अवैध वसूली करता था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच गैंगस्टर के इनकम ऑफ सोर्स को भी खत्म करने में लगी हुई थी। फिलहाल गैंगस्टर कौशल चौधरी भी आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है, जिसको लेकर उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।